पंजाब कांग्रेस की लड़ाई हर दिन एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। पार्टी में मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को दावा किया कि अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नहीं हटाया, बल्कि कांग्रेस के 78 विधायक उन्हें हटाना चाहते थे। सुरजेवाला के यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी हाईकमान पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। साथ ही अमरिंदर सिंह ने बहुत जल्द कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला उन्होंने नहीं लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 78 विधायकों ने पत्र लिखा था और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को बदल दिया। अमरिंदर सिंह ने पार्टी नेताओं के इस तरह के दावों पर पलटवार किया है। अमरिंदर ने उस तथाकथित चिट्ठी जिसमें उनके प्रति अविश्वास जताया गया है के संबंध में कांग्रेस महासचिव एवं पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत और कांग्रेस नेता सुरजेवाला द्वारा बताई गई विधायकों की अलग अलग संख्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह हास्यपद है। रावत ने शुक्रवार को प्रेस में दिए एक बयान में कहा था कि इस मुद्दे पर 43 विधायकों ने आला कमान को पत्र लिखा था। अमरिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी पर नवजोत सिंह सिद्धू के हास्य और नौटंकी का असर हो गया है। उन्होंने कहा कि अब वे दावा करेंगे कि 117 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा है। पार्टी में ये तो हालात है, वे अपने झूठ में भी तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस में पूरी तरह से अव्यवस्था के हालात हैं। दिन प्रतिदिन संकट बढ़ता ही जा रहा है और इसके अधिकतर वरिष्ठ नेताओं का पार्टी की कार्यप्रणाली से मोह भंग हो गया है। उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि जिन 43 विधायकों ने उक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उन्हें दबाव में ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कैप्टन ने कहा कि ये देख कर दुख होता है कि अपने गलत कामों को उचित ठहराने के लिए वे साफ झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल, यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी, किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा, ब्राह्मण शंख बजाएगा किसको कुर्सी दिलाएगा, ओवैसी का प्लान किसकी तरफ मुसलमान। साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क 2 गज दूरी करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।